और इस सीजन में अगर हमें एक ठंडा चिल्ड डेजर्ट मिल जाए तो क्या कहने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुज्जू फूड एंड फन। आज मैं आपको एक फ्रूट बेस्ड डेजर्ट रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो है मैंगो कुल्फी। और ये रेसिपी बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है और इसे हीट की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है ही, और आई एम श्योर आप अगर इसे घर पर बनाएंगे तो ये आपका भी फेवरेट बन सकता है। तो इसीलिए आज हम जो रेसिपी बनाते हैं उसे आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं मैंगो कुल्फी। सो फ्रेंड्स, शुरू किया जाए मैंगो कुल्फी। सबसे पहले मैंगोज़ का मैंने यहाँ पे पल्प निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 मैंगोज़ लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है कंडेंस्ड मिल्क, ये है आपका क्रीम, ये 1/2 कप है, ये भी 1/2 कप है, कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप है। ये मैंने 2 मैंगोज़ लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया है, और गार्निशिंग के लिए मैंने आलमंड्स और पिस्ते लिए हैं। तो शुरू किया जाए फ्रेंड्स। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं इसमें मिक्सर जार में मैं डाल देती हूँ। मैंगोज, मिल्क, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, ये सारा कुछ डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से एक बार व्हिप कर दें, ग्राइंड कर दें। तो व्यूअर्स, 12 आवर्स हो चुके हैं। अब मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल दिया है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से यह जम गया है। और मैंने इसे मिट्टी के बर्तन में जमाया था। आप चाहे तो इसे किसी पे भी जमा सकते हैं, एक छोटा बाउल हो, या आपके पास अगर मिट्टी का कोई भी मटका हो, ग्लास हो, तो आप उस पर भी जमा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। तो मैंगो कुल्फ़ी आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने इंटरेस्ट को और बढ़ाएं कुकिंग में। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और स्वादिष्ट लग रहा है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें व्यूअर्स। और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी इसे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। तो आप जहाँ कहीं भी हों, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।